पिछले 24 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हिंडाल्को मैनेजमेंट में श्रमिकों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। वह श्रमिक जो मेरे नगर की जनता है, जो इनके यहाँ श्रमिक के रूप में कार्य करती है, उनके समस्याओं को लेकर के मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते इस नगर रेणुकूट का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे सभासदगण इस नगर परिक्षेत्र में रहने वाली इस कंपनी में जहाँ पर हमारी जनता का श्रमिकों के रूप में शोषण किया जा रहा है, उसका मैं शांतिपूर्वक तरीके से गुलदस्ता लेकर के आया हूँ। इनको मैं ज्ञापन देना चाह रहा हूँ। पिछले 24 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ, आज तक अभी तक इन्होंने हमारा ज्ञापन नहीं लिया। मैंने श्री सतीश आनंद जी और श्री सतीश जाजू जी को मैंने ये ज्ञापन देना चाहा। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि जिस नगर में ये कारखाना है, जिस नगर की जनता इसमें श्रमिक के रूप में कार्य कर रही है, उसका दुख दर्द वो श्रमिक आके मुझे बताते हैं, उस दुख दर्द को क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मेरे नगर में कार्यरत इस कारखाने के प्रबंधकों को मुझे देने का अधिकार नहीं है? मोदी जी, ये तो इनकी तानाशाही रही। इसके अलावा आज शनिवार है, हम लोग जो है बजरंगबली का दर्शन करना चाहते हैं, जो बहुत पुराना बजरंगबली का मंदिर है, अक्सर हम लोग प्राय इसमें आए जाए करते हैं। मैं दर्शन करने जा रहा हूं पूरी शांति के साथ। इस प्रबंधन वर्ग के लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी ले आइए, चाहे आप अपने साथ ले चलिए, हमें दर्शन करा के ले आइए। हमारे लिए, हमारे ईश्वर का भी दर्शन करने के लिए इन्होंने गेट बंद कर दिया। मोदी जी, योगी जी, डीएम साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाकी चीजें तो सब कुछ ठीक है, मगर आस्था के सवाल पर ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मुझे मेरे भगवान से दर्शन नहीं कराया गया तो मैं अभी एक घंटे के भीतर यहाँ आत्महत्या करूंगा, जिसका जिम्मेदार श्री सतीश जाजू, श्री सतीश आनंद और हिंडाल्को मैनेजमेंट होगी।